हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपकी फेवरेट रीडिंग फिर से लेके आया हूँ, और वो टॉपिक है आज की हमारी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके और उनके बीच, यानी कि आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं उनके बीच और आपके बीच कैसा रहने वाला है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप लोग साथ में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। सो देखते हैं, एक जनरल रीडिंग है, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, एंड जनरल रीडिंग है जो रेजोनेट करे रखें और रेजोनेट जो चीज़ ना करे दूसरों के लिए छोड़ें। तो अभी जो सिचुएशंस आप लोगों के बीच में, सब अपने अपने अनुसार रेजोनेट कर लीजिएगा क्या सिचुएशंस है, ये मैं नहीं जानता हूँ, बट ये जरूर जानता हूँ कि जो भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है। तो जो भी कार्ड से निकलेगा मैं आपको बताऊंगा। लेट सी, पहला ही कार्ड आ गया द एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड आ गया है, एंड देखते हैं और क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स यू वर्सेस देम। लेट सी आपके और आपके बीच में। टेम्परेंस, टेम्परेंस, चैरियट। लेट सी वन मोर, काफी जंप आउट होने हैं कार्ड। यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है। लेट सी बहुत अच्छा कार्ड निकल के आ रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स क्या मिल सकता है आपको। द एम्परर्स। सो यहाँ पे मेरा इंट्यूशन मुझे रोक रहा है और कार्ड लेने से। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है और क्या है। द एम्प्रेस, एम्प्रेस कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल के आया है एम्प्रेस कार्ड। एंड यहाँ पे कुछ एक्शन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। मुझे लगता है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वहाँ से कुछ पहल हो सकती है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मूव लिया जा सकता है। यहाँ पे कार्ड मुझे बता रहा है कि फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मूव लिया जा सकता है आपके पर्सन के द्वारा नेक्स्ट 72 आवर्स में। कोई नया अपॉर्चुनिटी, आपको उनसे मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है मुझे लग रहा है। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की खबर से हैप्पीनेस हो सकती है। अगर मेल हैं तो जो आप डील कर रहे हैं, जिनसे भी डील कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मैरिड हों और अपनी वाइफ से कुछ उम्मीद कर रहे हों प्रेगनेंसी के लिए, तो वहाँ से भी एक अच्छी खबर आने की उम्मीद है। और मुझे लगता है काफ़ी आप लोग को एक देखभाल की ज़रूरत रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन को। एंड बहुत ही स्थिरता, स्टेबिलिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग नो कांटेक्ट में थे तो वहाँ से तो एक्शन आ रहा है और स्टेबल भी हो जाएंगे। काफ़ी सेंसुअलिटी के साथ भी आपका नेक्स्ट 72 आवर्स बीत सकता है, क्योंकि बहुत सेक्सुअल रहेंगे एक दूसरे के प्रति और क्रिएटिव भी रहेंगे। कुछ मुझे लगता है कि कुछ लोग के पर्सन ब्यूटी क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे उनको कामयाबी मिल सकती है, जिसका आप विश भी कर रहे थे। और इसके लिए आप लोग साथ में मिलके एक पार्टी कर सकते हैं, नेचर में घूमने जा सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ जगह पे नेचर्स में घूमने जा सकते हैं और एक अच्छी पहल हो सकती है। मुझे लगता है ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, काफ़ी दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो वहाँ एक अच्छी पहल आ रही है। और जो लोग मैरिड हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा कि वहाँ से प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आ सकती है। थोड़े बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन भी नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बीच में रहने वाले हैं। बैलेंस, तो जहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, वहाँ अब बैलेंस आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप लोग बैलेंस में आ जाएंगे। हो सकता है किसी मुद्दे पे आप दोनों की बात नहीं बन रही थी, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से सहमत नहीं थे, तो वहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन लग रहा है कि वो नेक्स्ट 72 आवर्स में वो चीज़ आप दोनों में ही आ जाएगी। दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैलेंस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, और एक स्थिरता आएगी आपके रिलेशनशिप में जो आपको लॉन्ग टर्म तक काम देगी। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल होने की पूरी उम्मीद है। और यहाँ चैरियट आया, जो लोग दूर हैं, यानी कि किसी वजह से आप लोग, आपके पर्सन दूर गए होंगे या आप दूर गए हैं उनसे। मुझे लगता है कि लड़ाई वाली बात नहीं है या ब्रेकअप वाली बात नहीं है कुछ लोगों के बीच में, बस किसी वजह से डिस्टेंस में गए थे किसी काम के लिए या किसी काम के बारे में जानने के लिए।
तो वहाँ पे मुझे करियर वाइज लग रहा है कि गए होंगे या आप गए हैं, तो अब पूरी उम्मीद है कि वो आपके पास जल्द से जल्द आएंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है वो आपको मैसेज करें और बताएं कि कब आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 7 to 8 days में वो उनके आने की संभावना है, जिसके बारे में वो आपको बताएंगे, या 7 to 8 days में मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन 72 आवर्स में पूरी संभावना है कि वो एक निश्चय करेंगे कि आपके पास आपसे कब आके मिलना है। और वो दूर से ही आ रहे हैं या आपके सिटी में रहते हुए भी आपसे दूर हैं, तो आपसे मिलने की पूरी संभावना है कि जैसे ऑलरेडी मैंने बोला कि रिलेशनशिप बैलेंस में आ जाएगा और उनके तरफ से एक पहल भी होगी जो आपको बिल्कुल ही सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा लाइनअप कार्ड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। एंड यहाँ पे एक कार्ड ये भी निकल के आया है, 2 of Cups, तो डिवाइन द्वारा आप ब्लेस्ड हैं, आपके और आपके पर्सन, यानी कि अब तक प्यार का फैसला नहीं हुआ था या अब तक आप एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाए थे, काफ़ी दिनों से आप दोनों की बातें चल रही थी, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देंगे। यहाँ ये कार्ड यही बता रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों एक दूसरे को प्यार का प्रपोजल दे देंगे और संबंधों की शुरुआत होगी, और ये संबंध डिवाइन द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपको फ्यूचर में बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी रिलेशनशिप में, और विश फुलफिलमेंट तो होगा ही, फ्रूटफुलनेस आएगी रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, कुछ सीक्रेट्स होंगे जो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके सामने आने वाले हैं। ये कुछ मिस्टीरियस बातें हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच में, हो सकता है कोई ऐसी बात आपको पता चले जो पहले पता नहीं थी। ये बातें निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, बट यहाँ पे आपको अपनी बुद्धि से काम लेना होगा, अपने इंट्यूशन से काम लेना होगा, क्योंकि आपको ही सारी चीज़ें पता करनी है, आपको ही सारे सीक्रेट्स आपके सामने रिवील्ड होंगे, और एक हायर पावर भी आपके अंदर आएगा, इनर वॉइस आपकी बताएगी कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है या कहाँ जाएगी, या आपको कहाँ जाना है इस रिलेशनशिप को लेके। इसका आपको एक इनर इनर पावर मिलेगा, आप खुद फील कर पाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आपको ये रिलेशनशिप आगे ले जाना है या इसको रोकना है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको पहले पता ना हो, और हो सकता है कि वो बातें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनना होगा आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में, अपने इंट्यूशन से काम ले। ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में जो भी बातें होंगी उसके लिए आपको अपना इंट्यूशन पे ध्यान देना होगा, अपने दिल और दिमाग दोनों को सोचना होगा, क्योंकि थोड़ा सा संभल के रहें, कुछ ऐसी बातें उजागर हो सकती हैं जो आपको पहले पता नहीं थी। तो यहाँ आपको स्पिरिचुअल बनना होगा और अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। द एम्परर, कुछ फैसले आपके और आपके पार्टनर पर्सन जिसे भी आप डील करें, कुछ फैसलों में मेच्योरिटी आने वाली है, और ये मुझे लगता है कि कोई मैरिज का फैसला भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, या एंगेजमेंट का, आपस में जुड़ने का फैसला हो सकता है। बहुत ही प्रोटेक्टिव फैसला होगा और इसको बहुत ही विचार करके लिया जाएगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन के फैमिली कोई फैसला ले आपके बारे में जो आपको बहुत खुश रखेंगी, खुश करेंगी, और एक बहुत मैच्योर फैसला होने वाला है आपके और उनके बीच में नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है साफ कि आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आपका लाइफ प्रोटेक्टिव, फ्यूचर प्रोटेक्शन हो सकता है उसमें, और बात बन सकती है मैरिज के। अगर बातें आप लोग में चलती हैं तो उसका एक निष्कर्ष निकल के आएगा, जिससे कि आगे की आपकी फ्यूचर लाइफ तय होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिवाइन के क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे निकल के बहुत कुछ अच्छा भी आया है। मुझे लगता है सभी के लिए कुछ ना कुछ निकल के आया है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो डिवाइन के भी गाइडेंस लेते हैं कि क्या कुछ डिवाइन के गाइडेंस है। पहला कार्ड लिया है मैंने, वन मोर कार्ड, और कार्ड लेते हैं, सी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग है, तो बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, बट डिवाइन के गाइडेंस भी यहाँ लिए जाने बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, फुल मून इन पाइसेस का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि बैलेंस आने वाला है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो यहाँ स्पिरिचुअली बनना होगा, वो भी मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल वहाँ बनना होगा, हाई प्रिस्टेस था।
तो ये प्रैक्टिकल बिल्कुल वे में, तो आपको ये सारे फैसले लेने होंगे, बैलेंस खुद करना होगा और आपके पार्टनर से भी यही उम्मीद रखें, एंड स्पिरिचुअल बने, ये आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। दूसरा है फुल मून लियो का कार्ड है, डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलतियाँ कुछ आप में भी होती हैं, कुछ आपके पार्टनर में भी हो सकती हैं, तो घमंड को ईगो को अपने पे हावी ना होने दें क्योंकि इससे बात बिगड़ती है। तो बी कूल, बी पीसफुल एंड स्पिरिचुअल बने रहिए मुझे लगता है, और पेशेंस से काम लीजिए। तीसरा कार्ड है डिवाइन की ओर से, वैक्सिंग मून का है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो एनर्जीज आपकी जा रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके और आपके पार्टनर की, वो एक बहुत अच्छे निष्कर्ष पे पहुँचेगी और वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन का कार्ड है, तो जो भी आपने संबंधों के लिए अपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था, सब कुछ अपना दिया था आपने, तो उसका पे ऑफ होने का समय आ गया है। आपको एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मैच्योर वाइब मिलने वाली है आपके पार्टनर से, और जहाँ पे रीयूनियन के चांसेस थे वहाँ पे रीयूनियन होंगे, और नया लव के लिए देख रहे हैं। अभी तक डिसीजन आप दोनों के बीच में अगर नहीं हुआ है, प्रपोजल नहीं हुआ है, तो उसका पे ऑफ होगा, अब बात बनेगी। तो यू वर्सेस देम की नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग आज मेरी पूरी हुई। फिर मिलते हैं, ओम नमः शिवाय।